बंदे पुरुषोत्तम आलोचना प्रसंग भाग तीन से 20 मार्च सन 1942 की शशि ठाकुर जी से वार्तालाप। बातें हो रही थीं कि इसी बीच काली षष्ठी माँ पहुँच गईं। शशि ठाकुर जी ने कहा, हमारी काली षष्ठी जैसी मधुर हैं वैसी कठोर भी। यों तो ठंडे मिजाज की है पर रोग खूब है, इसलिए बच्चे उससे जितनी भक्ति करते हैं उतना उससे भय भी। कोमल और कठोर इन दो का भली भांति समावेश नहीं होने पर संसार में चलना कठिन है, किंतु मुझ में यह दोष है कि मैं कठोर नहीं बन सकता। नाना तरह का कॉन्सिडरेशन विवेचना आ जाता है, किंतु जहां मैं अन्याय समझता हूं वहां कभी मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। सीधे ढंग से कह देता हूं, किंतु देखता हूं कि नर्म होकर बोलने से काम नहीं होता है। अधिक रूढ़ भाव से बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि किसी के प्रति यदि गुस्सा होता है तो साथ ही साथ सहानुभूति भी इतनी मात्रा में बोध करता हूँ कि गुस्सा गौण हो जाता है। गुस्से को अच्छी तरह जो व्यक्त कर पाऊंगा यह मुझसे नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य की भूल त्रुटि मेरी नज़रों में है, उसी प्रकार उसके साथ ही साथ उन भूल त्रुटियों का कारण भी आंखों के सामने झलक उठता है। कौन क्या करता है और क्यों वह ऐसा करता है, दोनों एक साथ पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए सोचता हूँ गुस्सा करने के बजाय अपने को संशोधन करना है, किंतु इस संशोधन के मामले में शुभ बुद्धि लेकर आत्मस्थ होकर भी तेज दिखने का प्रयोजन है। उन्हें छोड़कर निवेद्य प्रेम द्वारा किंतु मनुष्य का संशोधन नहीं होता है। यदि शुभ बुद्धि रहे एवं मात्रा जी ठीक रहे तो एक मनुष्य को सजा देने के बावजूद भी वह पराया नहीं बन सकता है। पराया होने की बात तो दूर ठहरी, बल्कि उसके जरिए वह और भी अपना बन जाता है। ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए कि मनुष्य को कैसे जीतेंगे, वह भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि वह इष्ट के लिए। हरिपदा बोले, बौधा मनुष्य लोक निंदा या हंगामा के भय के कारण चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, यदि तुम लोग लोक निंदा के भय से असत या अन्याय का प्रतिरोध नहीं करो तो वह तुम्हारी क्लियवता होगी। उसका अर्थ है तुमने अपने सबको लांछित करने का पथ बना कर रखा। तुम्हारे विषय में कौन क्या सोचता है या सोचेगा, इस पर ध्यान देने के बजाय वास्तव में तुम क्या हो इस ओर अधिक ध्यान देना ही बेहतर है। यदि तुम सत बनो, न्यायपरायण बनो, और यदि लोग तुम्हारे विषय में दूसरी तरह सोचें तो उससे तुम्हारी चारित्रिक संपदा खत्म नहीं होगी। पुनः यदि तुम असत बनो, अन्याय करो एवं लोगों की आंखों में धूल झोंक कर चलो, जो अधिक दिन नहीं चल सकता, तो उससे तुम सत नहीं बन सकते। तुम्हारी मूल संपदा है तुम्हारा चरित्र। लोक भय से यदि तुम कतिपय त्रुटियां और गड़बड़ियों को प्रश्रय देकर अपने आप को दुर्बल और हीन बना देते हो तो तुम धोखा खाते हो। असल बात है इष्ट को खुश रखना। उससे चाहे दुनिया में लाभ हानि निंदा ग्लानि जो भी क्यों न हो, उस दिशा में कोई भ्रूक्षेप नहीं करना। इष्ट पर ध्यान रहने से सबको मंगल करने की बुद्धि होती है। उस समय मनुष्य किसी ओर निहार कर नहीं चलता, उसका लक्ष्य ठीक रहता है। सेवा प्रीति और श्रद्धा का भाव लेकर चलने के बावजूद भी मनुष्य का अमंगल होता है उसको वह प्रश्रय नहीं देता। उसके व्यक्तित्व का प्रभाव ही असाधारण होता है। वज्र की तरह कठोर होकर भी वह मनुष्य की श्रद्धा को जितना आकर्षित करता है, लाखों मधुर व्यवहार से भी मनुष्य उस श्रद्धा को आकर्षित नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के लिए सामयिक भाव से मनुष्य उसे गलत समझ सकता है, किंतु बाद में परम हितकारी बंधु जैसा समझेगा। पर एक दल ऐसा अवश्य ही रहेगा जो ईर्ष्या परवश होकर उसकी निंदा करता फिरेगा, पर वहां भी उसे अपने लिए कुछ करना नहीं होगा। परिवेश ही ऐसे व्यक्तियों को धर दबाएगा। मेरे जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं। मैं जिस समय डॉक्टरी करता था उस समय मेरे हाथ से कितने रोगी चंगे हुए थे। चारों तरफ मेरी सुख्याति फैल गई थी। इसीलिए स्थानीय प्रवीण चिकित्सकों में कुछ व्यक्ति खूब ईर्ष्यान्वित हो उठे। लोगों के सामने मुझे हीन प्रमाणित करने के लिए
कटुक्ति कर अपमान करने में भी नहीं हिचकते थे। मैं चुपचाप रहता था। मेरी अनुपस्थिति में मेरे विषय में क्या कहते थे और क्या नहीं कहते थे, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। लोग कहा करते थे, जो कुछ भी कहें, डॉक्टर बाबू रोगी को तो चंगा कर देते हैं, रुपए पैसे के प्रति भी तो वैसा लोभ नहीं है, कैसी मीठी बातें करते हैं, कैसा मधुर व्यवहार है। हमारे घर के लोग रोगी के लिए जितना व्यस्त नहीं होते, डॉक्टर बाबू उसकी अपेक्षा अधिक व्यस्त हो पड़ते हैं। उत्तर में वे कहा करते थे, रोग दूर करने की बात अब मत कहो, क्या वह डॉक्टरी जानता है कि चिकित्सा करके रोग दूर करेगा, डॉक्टरी सिर्फ उसका बहाना मात्र है, डॉक्टरी तो वह कुछ भी नहीं जानता है, न जाने उसकी माँ कामाख्या से क्या क्या सीख कर आई है, उसके बल भर ही तो वह रोग दूर करता है, जिस ढंग से वह रोग दूर कर रहा है उसका मजा वह बाद में चखेगा, रोग दबा रहता है पर बाद में जब वह उखड़ेगा तभी पता चलेगा, तो उस समय झाड़ फूंक से काम नहीं चलेगा, हमारे निकट दौड़ना ही पड़ेगा। और रोगी के प्रति सहानुभूति दिखाने की बातें कहते हो, भीतर में कोई विद्या बुद्धि नहीं रहने पर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई ढंग तो रहना चाहिए, इसलिए उतना वह खुशामत करता है। तुम लोग उसकी बात मत सुनाओ, ऐसी बातें सुनने से लोगों के दिल में संदेह हो जाया करता था, सोचते थे कि यह सत्य है, किंतु जब दिन बीत जाते थे वे लोग यह देखते थे कि जो मेरे हाथ से स्वस्थ हुए हैं वे स्वस्थ ही हैं, तथा उनकी तभी बीमारी पुनः उखड़ नहीं पा रही है। इस प्रकार चलता रहता था और सारी बातें मेरे कानों में पहुंचती थी, किंतु फिर भी मैं चुप रहता, किसी के विरुद्ध एक बात भी नहीं करता, बल्कि जिसके गुण के विषय में जानता था वह कहता था और मुझे उन लोगों से बहुत कुछ सीखना है ऐसी बातें भी करता था। मेरी बातें सुनकर सभी अचंभित हो जाते थे, सोचते थे डॉक्टर बाबू बहुत भद्र व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, गुस्सा भी बहुत कम है। बाद में एक बार एक डॉक्टर किसी ग्राम में मुसलमानों के सामने मेरे विरुद्ध जो सो बातें करने लगे, उसी बीच एक व्यक्ति उखड़ गया और उन पर तत्क्षण टूट पड़ा। वह बोला, क्या रे साला, चक्रवर्ती बाबू के लड़के की खामखाह निंदा करते हो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, वह एक भद्र व्यक्ति है, मनुष्य की भलाई के सिवाय बुराई नहीं करता, उसके अलावा भली बातें करने के सिवा बुरी बातें नहीं करता, विपत्ति आपत्ति में जी जान से भिड़ पड़ता है, लेने देने की कोई परवाह नहीं करता, जरूरत पड़ने पर रोगी के लिए गांठ के पैसे भी खर्च कर देता, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अंट संट बातें कर रहे हो। उसकी त्योरी चढ़ते देखते ही वह जी जान से भाग खड़ा हुआ। ठाकुर के कहने की भंगिमा ऐसी थी कि वह देखकर सभी हंसने लगे। श्री ठाकुर बोले, उस भद्र व्यक्ति की ऐसी हालत हो गई यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि यदि मनुष्य बर्दाश्त करते हुए धैर्य सहित चले तो स्वतः प्रकृति उसे मदद करेगी, चाहे लोग मेरी लाख निंदा क्यों न करें, उससे मैं कभी विचलित नहीं होता, किंतु मेरे सामने किसी दूसरे व्यक्ति की झूठी निंदा करता है तो उसे मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और प्रायः मैं मुकाबला करने की चेष्टा करता हूं। लोक निंदा का भय यदि मुझ में रहता तो मैं जो कुछ कर पा रहा हूं उसका कुछ अंश भी नहीं कर पाता। आजकल लोगों की धारणा ही ऐसी विकृत हो गई है कि प्रकृत धर्म को अधर्म समझते हैं एवं जो अधर्म है उसे धर्म समझ रहे हैं। आजकल के जो पक्के धार्मिक लोग हैं वे मुझे जो कुछ भी कहें या नहीं कहें, कम से कम मुझे धार्मिक नहीं कहेंगे, यह बात ठीक ही है, मैं इन लोगों की दृष्टि में धर्म विरोधी हूँ, कहते हुए श्री ठाकुर मंद मंद मुस्काने लगे। साथ ही साथ उपस्थित सभी लोग मृदु मुस्कान में मुस्काने लगे। श्री ठाकुर इस बार घूम कर बैठ गए। बैठकर चंद्रनाथ दा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर आदर करते हुए शब्दों में बोले, लक्ष्मी मेरी अर्जी तुम्हें याद है ना? मैंने जो तुमसे मांगा उसकी व्यवस्था कर दोगे ना? चंद्रनाथ दा बोले, मेरे पास जो कुछ भी था वह तो अब बेहाथ हो गया। श्री ठाकुर बोले, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, जान रहने पर रुपए पैसे आते रहेंगे ही, वेल एडजस्ट कैरेक्टर, सुनियंत्रित चरित्र रहने पर कौन किसको रोक सकता है, मिट्टी तोड़ कर रुपए निकलेंगे, आमी की डराई शौखी लंपट रावणे, अर्थात हे सखी क्या लंपट रावण से मैं भय करता हूँ, चरित्र रहने पर मनुष्य
इच्छा करने से आउट ऑफ नथिंग बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। उसी प्रकार दूसरे को भी उसकी अर्थ संपदा को इष्ट के लिए उत्सर्ग करने में प्रबुद्ध कर दे सकता है। याद रखो, इष्ट का अर्थ है मूर्त कल्याण। मैंने जो कहा है उसे करने में देर मत करो, देर करने का समय भी नहीं है। मेरी परिकल्पना केवल परिकल्पना ही रह जाएगी यदि तुम लोग उसे कर्म में परिणत नहीं करो। चंद्रनाथ दा बोले, मैं अपनी क्षमता के अनुसार चेष्टा करूंगा। शिष्य ठाकुर उल्लास उद्दीपना के साथ बोले, मैं जो कहता हूं उसे करो, उसके बाद देखो क्या होता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 165 से 170 तक। जय गुरु।